बलरामपुर जिला सहित इन दिनों पूरा देश भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की चपेट में है। अगर रामानुजगंज की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। गर्मी और धूप से लोग परेशान हैं और काफी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो रही है और लोग सीमेंट के बने चमूतरे पर अपना इलाज करवाने पर मजबूर है। गौरतलब है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने रामानुजगंज स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर अस्पताल की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। बरसों गुजर जाने के बाद भी आज तक रामानुजगंज स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर के अस्पताल में नहीं बदला जा पाया है। इधर अस्पताल प्रबंधन को सब कुछ मालूम होते हुए भी सुविधा को सुधारने के लिए कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रैफिक मलेरिया निकले हुए हैं बुधवार को, तो इसके लिए भर्ती किए हैं, तो न बेड की सुविधा है न पानी की सुविधा है, बहुत मलेरिया निकला। तो यहाँ बैठी हैं, बेड नहीं मिला क्या? बेड नहीं मिला। कितने दिन से हो गया? 4 दिन हो गया आज। 4 दिन में बेड चार दिन में बेड नहीं मिला। डॉक्टर साहब आए थे?